क्या हुआ, हो गया भक्ति मार्ग मुर्दाबाद? प्रश्न है कि भक्ति मार्ग में गायन है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, तो क्या ये गायन वर्तमान समय में लागू नहीं होता? ये अंत समय का ही गायन है। अच्छा, दुनिया में अभी राम राज्य की सत्ता है या रावण राज्य की सत्ता है? रावण राज्य की सत्ता है। रावण राज्य की सत्ता है और रावण को अनेक मुख होते हैं। इसका मतलब अभी इस दुनिया में कहीं भी किसी देश में एक कीमत पर चलने वाले कोई नहीं है। और नई दुनिया में क्या होगा? एक की सत्ता होगी और उसकी शुरुआत होगी राम राज्य से, राम की सत्ता से। तो जो राम की सत्ता है, उस सत्ता को मानने वाले पहले पहले कितने होंगे, शुरुआत में कितने होंगे? 500 करोड़ होंगे है? कितने होंगे? 33 करोड़ होंगे। अरे है, एक एक की सत्ता को मानेगा है? ऐसे तो आज की दुनिया में भी ढेर के ढेर गुरु शिव हम बन के बैठे हुए, कहते हम ही शिव हैं, हमारे ऊपर हमारी सत्ता है। सुनो सबकी, करो मन की। तो सत्ता का मतलब क्या हुआ? सत्ता शब्द काहे से बनता है? है सत्य से बनता है। जिनकी बुद्धि में सत्य बैठ जाए, सत्य का अस्तित्व आ जाए, उसके लिए एक की सत्ता आ जाएगी। क्योंकि सत्य एक है या अनेक है? सत्य एक है। तो वो एक की सत्ता की जब शुरुआत होगी तो एक परिवार से होगी या अनेकों परिवार से होगी? पारिवारिक इकाई एक होगी या पारिवारिक इकाइयां अनेक होंगी? शुरुआत, एकदम शुरुआत में है, एक ही होगी। तो उस एक परिवार में जहां से एक की सत्ता कायम होना शुरू होगी, उसमें कितने सदस्य होंगे, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? 8 ही होंगे। और अभी कहें कि ब्राह्मणों की दुनिया में ये गायन जो भक्ति मार्ग में चलता है, तेरी सत्ता के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल, वो गायन अभी लागू होता है? अभी प्रैक्टिकल में देखने में आता है? है
अभी तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 8 दाने प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। जब 8 का पूरा परिवार प्रत्यक्ष हो जाए, वो पारिवारिक इकाई समझ के सबकी बुद्धि में बैठे, तो प्रैक्टिकल में देखेंगे तब तो बुद्धि में बैठेगी, नहीं तो कैसे बैठेगी। हाँ, बताया है कि अभी 8 को प्रत्यक्ष होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, कौन सा नाम बताया गया है? मंजरी। वो तो उदाहरण दिया गया है आम के फूल का, किसी का नाम नहीं बताया गया, आम के फूल का उदाहरण दिया गया कि आम का जो फूल होता है उसका नाम है मंजरी। क्या? जिससे आम का फल बनता है, आम फलों का राजा माना जाता है और राजाई की स्थापना बाप आकर के करते हैं। जब राजाई की स्थापना होती है ये संसार रूपी वृक्ष में जो वैरायटी वृक्ष है, ऐसे नहीं सिर्फ आमों का आम का ही वृक्ष है, एक वृक्ष में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें वो आम भी है। और जो आम की स्थापना होती है राजाई की स्थापना होती है, उसमें शुरुआत होती है फूल से या फल से? फूल से शुरुआत होती है। तो उस फूल का नाम बताया है मंजरी। बाबा ने कोई पार्टदारी का नाम क्लियर नहीं कर दिया, बाकी लौकिक दुनिया में दादा लेखराज का नाम था, दादा लेखराज बाकी का लेख लिखने वालों का राजा। ऐसे ही दूसरे पात्रधारी जो मुख्य मुख्य हैं, उनके अंतिम जन्म का नाम का अर्थ कुछ उनके अलौकिक जीवन में घटित हो सकता है। जैसे तिरुपति मंदिर में यादगार बताई जाती है, क्या यादगार है? है? तिरुपति की क्या यादगार है? दो पत्नियां हैं, एक पत्नी का नाम पद्मावती, नाम है ना, पद्म किसको कहा जाता है? हैं? पद्म माने क्या? कमल। पद्म माने कमल फूल।
तो जैसे बेसिक के जब सेंटर खुले, सेवा की शुरुआत हुई, तो पहला पहला सेंटर कहाँ खुला? दिल्ली में खुला। दिल्ली से ही सेवा की शुरुआत होनी है, दिल्ली से ही स्थापना की शुरुआत, और दिल्ली से ही विनाश की शुरुआत। दिल्ली स्थापनाकारी भी है, दिल्ली परिस्थान और दिल्ली कब्रिस्तान। तो बेसिक में भी कमला नगर सेंटर, तो कमल का फूल सेवा करने में उत्तम हुआ या पीछे हुआ? पहला पहला नंबर है कमल फूल, क्योंकि फूलों का राजा कौन होता है? कमल। ये फाउंडर है, तो सेवा का फाउंडेशन डालने वाली कौन हुई है? पद्मावती। क्या बेसिक में कह दिया कमला, वो तो जड़ सेंटर की बात हो गई, फिर चैतन्य भी होगा कि नहीं होगा, तो उसका भी नाम क्या हो सकता है? कमला हो सकता है। बाकी बाबा ने नहीं बताया क्या? बाबा ने तो मिसाल दिया, आया समझ में? बाबा ने कोई का नाम नहीं बताया, इशारा दिया। और है तन मन धन, इनों में तन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है, या धन लगाने से ज्यादा भाग्य बनता है, या मन लगाने से ज्यादा ज्यादा भाग्य बनता है, इन तीनों में किस चीज से ज्यादा भाग्य बनता है? तन भी सतो प्रदान, रजो प्रदान और तमो प्रदान हो सकता है, और धन भी, धन की सेवा भी सतो प्रदान, रजो प्रदान और तमो प्रदान हो सकती है, मन की सेवा भी सतो प्रदान, रजो प्रदान और तमो प्रदान हो सकती है। तो जो सतो प्रधान सेवा की जाएगी उससे ज्यादा भाग्य बनेगा, या तमो प्रधान सेवा की जाएगी उससे ज्यादा भाग्य बनेगा? मान लो कोई ने मन की सेवा की और तमो प्रधान सेवा की, और उसके मुकाबले दूसरे व्यक्ति ने तन की सेवा की, और सतो प्रदान सेवा की, गालियां भी सुनी और सेवा का भाव भी रखा, जिसकी सेवा की उसके प्रति सेवा की भावना भी ऐसी भावना रखी जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, मनसा सेवा पावरफुल मानी जाती है, अति सूक्ष्म होती है, तन की सेवा स्थूल मानी जाती है। इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं मानी जाती, लोग नीची दृष्टि से देखते हैं तन की सेवा को। फिर भी जिस व्यक्ति ने सतो प्रधान तन की सेवा दी उसका ज्यादा भाग्य बना, या उस मनीषी का ज्यादा भाग्य बना जिसने मन की तमो प्रधान सेवा की, गुस्से में आके ज्ञान सुनाया, अहंकार पूर्वक सुनाया, अहंकार के वाइब्रेशन फेंके, ज्यादा भाग्य किसका बनेगा? है हैं? जो सात्विक स्टेज में रह करके सेवा करेगा उसका भाग्य ज्यादा बनेगा।
ऐसे नहीं कहा जा सकता कि तन की सेवा का ही ज्यादा मूल्य है या मन की सेवा का ही ज्यादा मूल्य है। स्टेज की बात है, जो भी सेवा की वो कौन सी स्टेज में रह करके सेवा की। भट्टी करने के बाद क्लास में नहीं आते, ज्ञान सुनने के लिए आते नहीं है। अंतिम समय में वे कैसे सुरक्षित रहने वाले, घर में मुरली सुनते हैं, है? हाँ, भट्टी कर ली, छोटे बच्चों की तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी छोटे बच्चे जो भट्टी करके आते हैं, बाबा से मिलके आते हैं, छोटे बच्चे महात्मा होते हैं, उनकी बुद्धि निर्विकारी होती है, सात्विक होती है, भले क्लास में नहीं आते हैं, और जो रोज क्लास में आते हैं उनमें बहुतेरे ऐसे होंगे जिनको बाहर की दुनिया याद आती है, बाबा की याद नहीं आती। लेकिन जो छोटे बच्चे भट्टी करके आते हैं, बाबा का प्यार लेके आते हैं, बाबा को देख करके आते हैं, उनकी बुद्धि में जो बाबा का चेहरा छपेगा, जो याद छपेगी, वो सबकी बुद्धि में ऐसी याद छप नहीं सकेगी। अभी तो छोटे हैं, आगे चल के जब आवाज निकलेगा तब तक वो बड़े हो जाएंगे, सगीर हो जाएंगे, तो हो सकता है उनकी बुद्धि में बात गहराई से बैठ जाए और रेगुलर क्लास करने लग पड़े। गायत्री गायत्री माने तीन का गायन, तीन देवियां हैं, जैसे तीन देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऐसे ही इनकी तीन सहयोगिनी शक्तियां हैं, और तीनों सहयोगिनी शक्ति जो हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का, वो ही गायत्री कहा जाता है। गायत्री मंत्र भारत की भक्ति मार्गीय परंपरा में बहुत ऊंचा मंत्र माना जाता है। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो हैं, उनमें ब्रह्मा को तो दाढ़ी मूछ के रूप में दिखाई दिया है, और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, लेकिन तीनों देवियों की तो पूजा होती है। वो निर्विकारी हैं, तीन देवताएं जो हैं अपने पुरुषार्थी जीवन में पुरुषतन होने के कारण, पुरुषार्थी जीवन में विकारी भी हो सकते हैं, मनसा से नहीं, दृष्टि से नहीं, तो कम से कम वाइब्रेशन से विकारी हो सकते हैं। लेकिन जो कन्याएं माताएं हैं उनके लिए तो बाबा ने बोला है, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो, तुम सब स्वर्ग का गेट खोलने लायक हो। ये तीन गायत्री के रूप में गाई जाने वाली देवियों का विशेष गायन है। में क्यों
सुनना और सुनाने का बात भर है। आज ही नहीं जब कोई सुनाता है तो सुनने वाला सुनता भी है और समझता भी है या नहीं समझता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाला सुनता है और समझता भी है तो दोनों में एक साथ प्रवेशता कायम हुई हो? वैसे भी सृष्टि प्रक्रिया में जब बीजारोपण होता है तो एक के द्वारा होता है या दो चाहिए कम से कम? सृष्टि प्रक्रिया की शुरुआत दो से होती है या एक से होती है? हाँ? दो से होती है। तो जैसे लौकिक दुनिया में होता है वैसे अलौकिक दुनिया पारलौकिक दुनिया में भी ऐसे ही होता है। सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, तीन देवताओं के साथ आते हैं। उस समय ब्रह्मा भी होना चाहिए, वैष्णवी शक्ति भी होनी चाहिए और शंकर वाली आत्मा भी होनी चाहिए। एक के द्वारा सुनाते हैं, दो सुनते हैं, उनमें एक सुनता भी है सुनने वालों में और सुनने के साथ साथ समझता भी है। फिर वो सुनाता है समझने वाला, तो जो समझने वाला समझता है और वो सुनाता है तो बाकी दो शक्तियां सुनती हैं। उनमें एक है सुने हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में धारण करने वाली और एक है सुने हुए ज्ञान को सिर्फ मुख तक धारण करने वाली, सुन करके दूसरों को सुनाए सकती है लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर सकती है। जो धारण कर लेती है वो नारी से लक्ष्मी बन जाती है, जो सिर्फ सुनने सुनाने तक सीमित रहती है वो लक्ष्मी नहीं बन पाती जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। नारी से जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। हाँ और यादव इस फिल्म में इस यादव को जनपद बताया है। यादवों को और यादव इस फिल्म में इस यादवों को धनवान बताया है। यादवों को धनवान बताया है, धनवान धनवान है यादवों को धनवान बताया। हाँ ठीक है। हाँ तो जो पांडव है वो यादवों के मुकाबले धनवान नहीं बनेगा क्या? बनेगा। पांडव भारतवासी हैं या विदेशी हैं? पांडव भारतवासी हैं और यादव विदेशी हैं, तो धनाढ्य जो हैं वो विदेशों में हैं धन संपत्ति वाले लोग या भारतवासी हैं धनाढ्य हैं? विदेशी धनाढ्य हैं और भारतवासी तो गरीब हैं। गरीबों को भगवान मिलता है, यादवों को भगवान नहीं मिलता है।
और प्रश्न आया है, सती अनसुईया को जगदम्बा से भी ऊंच किस आधार से बोला गया? जगदम्बा सरस्वती कौन से देवता के साथ दिखाई जाती है? प्रजापिता ब्रह्मा के साथ। और पार्वती दिखाई जाती है शंकर के साथ। और लक्ष्मी दिखाई जाती है विष्णु के साथ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही ऊंचे से ऊंचे देवता माने गए हैं, फिर भी प्योरिटी के हिसाब से जो गायन है भक्ति मार्ग में वो इन तीन देवियों का उतना ऊंचा गायन नहीं है। किसका ज्यादा गायन है? है सती अनुसुईया का ज्यादा गायन है, क्योंकि सती अनुसुईया ने उन तीनों देवियों के जो पति हैं उनको भी बच्चा बना करके पालना कर ली, बच्चा बनाई दिया। तो ये प्योरिटी की पावर का आधार क्या हुआ? ऊंचे से ऊंची मालाएं कौन सी हैं? है रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला में कन्याओं माताओं के बीच में ऊंच से ऊंच पद किसका है? है जो रुद्रमाला है उस रुद्रमाला में पुरुषार्थ करने वाले बच्चों के बीच में कन्याएं माताएं भी हैं और भाई भी हैं, पांडव भी हैं। तो प्रश्न ये है कि रुद्रमाला के पुरुषार्थी बच्चों के बीच में जो कन्याएं माताओं के रूप में पुरुषार्थी हैं उनमें ऊंच से ऊंच पार्टी किसका है? है अरे जगदम्बा का माला है ना, तो माला में ऊपर के दो मणके कौन से हैं? जगत पिता और जगदम्बा। और विजय माला में कन्या माताओं के बीच जो पुरुषार्थी हैं उनमें ऊंचे से ऊंचे पार्टी किसका है? है लक्ष्मी का। तो ये जो दोनों पार्टधारी हैं सरस्वती जगदम्बा की तो बात ही छोड़ दो, क्यों क्यों तो लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं किया सरस्वती ने। बाकी रुद्रमाला में जो ऊंच पार्टधारी हैं फीमेल वो रुद्रमाला में जो फीमेल पार्टधारी है वो चंद्रवंश का मुखिया है या सूर्यवंश का मुखिया है? किसका मुखिया है? चंद्रवंश का मुखिया है। ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा ब्रह्मा उसके मस्तक पर विराजमान है, तो चंद्रवंशियों में श्रेष्ठ है
सूर्यवंशियों में तो शेष नहीं है। और विजयमाला सारी की सारी चंद्रवंशियों की है, और उन चंद्रवंशियों में जो शिरोमणि मणका है कन्या माताओं के बीच में, कौन है? हैं? लक्ष्मी। तो उधर भी चंद्रवंशियों का है और उधर भी रुद्रमाला में भी चंद्रवंशियों का है। ऊंचा सर्वन सूर्यवंशियों को कहेंगे या चंद्रवंशियों को कहेंगे? सूर्यवंशियों को ऊंच कहेंगे। तो जो रुद्रमाला है विजयमाला के मुकाबले ऊंची माला इसलिए है कि रुद्रमाला है शिव बाबा की माला, और विजयमाला है किसकी माला? विजय पाने वाले देवताओं की माला, विष्णु की माला। तो कौन सी माला ऊंची हुई है? राजाओं की माला को ऊंचा कहें जो बाप के मणके की माला है, बाप की सुमिरनी के मणके हैं, बाप जिन बच्चों को स्मरण करता है वो बच्चे ऊंचे हुए या विजयमाला ऊंची हुई? बाप जिन बच्चों को स्मरण करता है, बाप की सुमिरनी के मणके हैं, वो ऊंची माला है। और उस ऊंची माला में भी ऊपर की स्टेज वाले दो ग्रुप हैं, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंशी ग्रुप। चंद्रवंशियों का हेड है जगदम्बा और सूर्यवंशियों का हेड है जगत पिता। तो स्पष्ट हो गया कि जो जगत पिता है उसके ग्रुप में पहला नंबर सूर्यवंशी है जगत पिता, उसके बाद किसका नंबर है? चंद्रवंशी में से जो भी सूर्यवंशियों का ग्रुप है 12 का, वो सारे ही श्रेष्ठ माने जाएंगे। कम से कम अष्टदेव तो श्रेष्ठ की लिस्ट में है ही है, जिनकी प्रैक्टिकल में पूजा देखी जाती है। वो सूर्यवंश से हैं या चंद्रवंश से हैं? वो सूर्यवंश से हैं, चंद्रवंश से तो हो ही नहीं सकते। तो सती अनुसुईया की तो बात छोड़ो, प्योरिटी में उनकी स्टेज बाकी के जो 6 मणके हैं अष्टदेवों में वो भी ऊंची स्टेज वाले हैं, क्योंकि सूर्यवंशी है। अगला प्रश्न है, काशी नगरी को कोई श्रापित नहीं कर सकता है, वो किस प्रकार से? किसी को श्राप देना या वरदान देना तपस्या के बल पर आधारित है या भोगी जीवन के बल पर आधारित है? है? तपस्या के बल पर आधारित है। मान लो दुर्वासा है, जहां जाता है वहां श्राप देता रहता है, तो उसमें तपस्या का बल है या नहीं है? है? नहीं है, है। वो डायरेक्ट शिव का बच्चा है, इसलिए उसमें इतना तेज भरा हुआ है, तपस्या की ताकत भरी हुई है। एक तरफ तपस्या करता जाता है और दूसरी तरफ उसको खारिज करता जाता है। तो ऐसे ही
जिस काशी का नाम ही काश्य शब्द के आधार पर है। काश्य माने तेज, याद का तेज। तो जिसमें याद का तेज भरा हुआ है उसके मुकाबले और दूसरे तो सब याद में कम शक्ति वाले होंगे या ज्यादा शक्ति वाले होंगे? कम शक्ति वाले होंगे। तो दूसरे कोई उसको श्रापित नहीं कर सकते। और कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो वो अच्छी बातें सुनाते हैं या तामसी बातें सुनाते हैं? अच्छी बातें सुनाते हैं। जिस समय वो आकर के अच्छी बातें सुनाते हैं उस समय और धर्म वाले जो हैं अपोजिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हैं? क्यों कर सकते हैं? वो तमो प्रधान है, दूसरे धर्म वाले जो पहले से आए हुए हैं या उन धर्मों में जो गुरु बन करके बैठे हुए हैं गद्दियों पर, उनकी गद्दी हिलती है, उनका मान मर्तबा नीचा हो जाता है उनकी बातें मान लेने से, इसलिए वो अपने फॉलोअर्स को भड़काते हैं। तो जो पुराने पुराने धर्म चले आ रहे हैं, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनके जो ढपोल संघ की गुरु है, जो गलत गलत परंपराएं फैलाने लग पड़ते हैं धर्म पिता के जाने के बाद, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी स्टेज को कोई दूसरा पकड़े। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में अभी हो रहा है, ऐसे ही वहां भी हालत होती है। जो क्राइस्ट वाली आत्मा है पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र आत्मा है। उस समय जितने भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर थे उन सब के मुकाबले क्राइस्ट की आत्मा ज्यादा पवित्र थी और प्योरिटी की तरफ कन्याओं माताओं का आकर्षण ज्यादा होगा या कम होगा? है, ज्यादा आकर्षण होगा। जब उसकी तरफ ज्यादा आकर्षण देखा गुरुओं ने तो कामेश क्रोधेश होंगे या नहीं होंगे? वो कामेश क्रोधेश हुए और उनको सूली पलटका दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो जो धर्म पिता आया नया नया उसको ऐसे मुकाबला करना पड़ता है तत्कालीन समाज के सामने। तो क्राइस्ट को जो सूली पर लटकाया गया उसका कारण मुख्य क्या था? क्राइस्ट के अंदर की प्योरिटी और तत्कालीन गुरुओं की इम्प्योरिटी, यही कारण था। उसी बात को हिंदू शास्त्रों की नकल के रूप में क्रिश्चियंस में दिखाया गया है कि क्राइस्ट को कांटे पर चढ़ाया गया, उन्होंने नकल कर ली। किसकी? संगम युग में कृष्ण की। कृष्ण के पांव में बहेलिए ने तीर मारा और प्राण पखेरु उड़ गए। ये कामेश क्रोधेश भक्ति मार्ग में होते ही आए हैं। और तो
जैसे शरीर छोड़ने के बाद लाश को जलाया जाता है या मिट्टी में डाला जाता है, और जब दोनों एक साथ शरीर छोड़ेंगे या आगे छोड़ेंगे? भक्ति मार्ग में हिंदुओं में शरीर इसलिए जलाया जाता है कि संगमिधि शूटिंग के टाइम पर हिंदू उर्फ देवता धर्म की जो आत्माएं थी उन्होंने अपने देह अभिमान को बिल्कुल भस्म कर दिया था, इसलिए हिंदुओं में वो परंपरा चली आ रही है क्या भस्म करने की, माने जलाने की। और दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो अपने देह अभिमान को पूरा जलाए नहीं पाती, वो देह अभिमान की मिट्टी को जला नहीं पाती, इसलिए वो मिट्टी में गाड़ते हैं, देह अभिमान की मिट्टी में ही दबाई देते हैं। और देवताएं उनमें ये दोनों प्रक्रियाएं होने की जरूरत नहीं है, उनकी आत्मा तो पहले ही जन्म में देह अभिमान को भस्म कर चुकी है, इसलिए न उनको जलाने की जरूरत है और न उनमें देह अभिमान रूपी मिट्टी रह जाती है जो मिट्टी में दबाना पड़े, इसलिए न देवताओं की मिट्टी में दबाया जाता है। क्या होता है, सागर की हिलोर आती है और जब उनको शरीर छोड़ना होता है सागर के बीच पे चले जाते हैं दोनों और सागर उनको बहा ले जाता है। और कोई काशी नगरी के पीछे पड़ गया है, प्रश्न है काशी नगरी को प्योरिटी का बापा बाप किस आधार से बोला गया है? क्या काशी नगरी को पवित्रता का बाप किस आधार पर बोला गया? जितने भी धर्म वंश हैं उन धर्म वंशों में सबसे जास्ती प्योरिटी कौन से धर्म वंश में है? सूर्यवंश में। सूर्यवंशियों में भी नंबर बार हैं आठ अष्टदेव, अष्टदेवों में भी जो पहला देवता है महादेव शंकर उसकी तो अड़बंगी चाल है। क्या उस फल का नाम क्या है, है? उस फल का नाम ही है नारियल। क्या उसका रियल पार्ट नहीं है जो देखने में आता है? कैसा पार्ट है? नारियल पार्ट है। मुरली में बोला है शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। बाप के अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। तो बाहर से प्रैक्टिकल जीवन में तो दिखाया गया है विष पीते हुए, तो जिसका प्रैक्टिकल जीवन का काम ही है विष पीना उसे विषयी विकारी लोग तो निर्विकारी नहीं मानेंगे।
तो अष्ट देवों में से पहले को तो छोड़ दो, दूसरा नंबर का मणका है, क्योंकि जो पहला नंबर है वो सूर्य के समान पार्ट बजाने वाला है, और सूर्य कचरा होता है, गंध फैली हुई होती है, दुर्गंध फैली हुई होती है, मलमूत्र होता है, उसको सुखा देता है या बढ़ा देता है, सुखा देता है, सोख लेता है, समाप्त कर देता है। जैसे भारतीय जीवन में जो साधुओं में एक प्रकार के अघोरी साधु होते हैं, मलमूत्र खा लेते हैं, लोग उनको कहते हैं ये तो सातवीं भूमिका पर पहुंचे हुए हैं, वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, लेकिन है वास्तव में ज्ञान सूर्य की बात कि विषय विकारों को पीता है, लेकिन उसके ऊपर विषय विकारों का कोई असर नहीं होता है। तो जो पहला नंबर मणका है उसकी तो बात छोड़ी जाए, बाकी जो दूसरा नंबर मणका है दुनिया में जितने भी गर्म मिजाज की आत्माएं हैं उनका बीज कहा जाएगा या ठंडे मिजाज की आत्माओं का बीज कहा जाएगा? अष्ट देवों में पहला देव है ज्ञान सूर्य, वो तो गर्म मिजाज हो गया, और दूसरा मणका गर्म मिजाज वालों का हेड है, बीज है या चंद्रवंशियों का बीज है? वो है चंद्रवंशियों का बीज, क्योंकि रुद्रबाला का मणका है ना, बीज कहाँ होंगे, विजयमाला में या रुद्रमाला में? रुद्रमाला तो रुद्रमाला में ऊंच से ऊंच पावरफुल चंद्रवंशियों का ठंडे से ठंडा बीज कौन सा है, है? जरूर कहेंगे कि जो अष्ट देवों में से दूसरा मणका है वो चंद्रवंशियों का बीज है। तो जो चंद्रवंशियों का बीज है वो शीतलता में बीज है ना, सबका बाप है या नहीं है? जो शीतल स्वभाव संस्कार वाला होगा वो ही प्योरिटी में आगे जाएगा या गर्म स्वभाव संस्कार वाला प्योरिटी में आगे जाएगा? जो शीतल स्वभाव संस्कार वाला जिसका नाम रखा गया है भारतीय परंपरा में राम की युगल क्या सीता, वो तो युगल दिखाई गई है, रुद्रमाला के मणके कोई युगल होते नहीं है, भाई बहन कह सकते हैं स्त्री पुरुष के रूप में, बाकी युगल की तो बात ही नहीं, एक शिव के बच्चे हैं। तो जो दूसरा मणका है वो चंद्रवंशियों का बीज है, चंद्रवंशियों में ठंडे स्वभाव संस्कार वालों में जितनी प्योरिटी होती है, जितनी शीतलता होती है इंद्रियों में, उन सब का बीज है, बीज बाप को कहा जाता है। इसलिए बताया चाहे उसे काशी नगरी कहो चाहे अनुसुईया कहो, वो प्योरिटी का बाप है, परंतु अकेला बाप तो नई सृष्टि नहीं पैदा कर लेता है, करता है क्या? नहीं,
दो चाहिए या एक चाहिए? दो चाहिए। और पृथ्वी स्वयं माता है, वो पृथ्वी स्वयं आधार है, और जो पृथ्वी को भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि पृथ्वी का भी आधार शेषनाग है। नाग सांप को कहा जाता है। ऐसा नाग जिसका नाम ही रखा गया शेषनाग, सिद्ध शेषनाग का अवतार रामायण में किसको दिखाया गया है? लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई गई है जो सदैव साथ ही साथ रहते हैं। कथानक दिखाई दिया है। लक्ष्मण छोटे भाई थे राम के, छोटे भाई होने के कारण उनको हर बात राम की माननी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने जब वरदान उनको मिला तो उन्होंने एक ही वरदान मांगा कि अगले जन्म में जब हमारा राम के साथ जन्म हो तो हम छोटे भाई न हो, क्या हो, हम बड़े भाई हों। तो भक्ति मार्ग में ये कथा बना दी है कि द्वापर युग में जब उन दोनों का जन्म हुआ तो बलराम बड़े भाई हुए और कृष्ण छोटे भाई हुए। इससे साबित एक बात हुई कि जो कृष्ण वाली आत्मा है वो ही शेषनाग है, और वो शेषनाग पृथ्वी कहो जगदम्बा कहो उसके जीवन का आधार है। वो जगदम्बा जब महाकाली का पार्ट बजाती है तो उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश होकर के सारा कार्य कराती है? 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 जोर से बोलो, ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल ही तो उसका आधार हुई, उसको चलाने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा। इसलिए शेषनाग को पृथ्वी का आधार दिखाया गया है। और प्रश्न आया है कि जो बाबा से शरीर की उम्र में बड़े हैं
क्या उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा या नहीं? क्या जवाब होगा? है, अगर छोड़ना पड़ेगा तो कारण है भक्ति मार के, क्यों? ये शरीर में बड़े हैं, क्या ज्ञान में होशियार नहीं हो सकते? जो शरीर में बड़े हैं, उम्र में ज्यादा हैं, वो ज्ञान में होशियार नहीं हो सकते? क्या ये नहीं हो सकता कि वो आत्माएं जो शरीर में इस जन्म में राम वाली आत्मा से ज्यादा बड़ी हैं, वो पूर्व जन्मों में जन्म जन्मांतर राम वाली आत्मा के साथ रही हो और साथ रहने के कारण उनमें ज्ञान के संस्कार ज्यादा भरे हुए हों? नहीं हो सकता तो फिर क्यों शरीर छोड़ेंगे? अच्छा चलो, नई शरीर छोड़ेंगी, फिर जो कहते हैं कि राम वाली आत्मा से जो शरीर शारीरिक उम्र में बड़े हैं, उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, इसका कोई कारण तो निकालना चाहिए। कोई प्रूफ निकालना चाहिए कि नहीं? जैसे इस बात का प्रूफ निकला कि राम वाली आत्मा से कोई उम्र में बड़े हैं, लेकिन पूर्व जन्म के जन्मों के हिसाब से राम वाली आत्मा के साथ उनका ज्यादा संग रहा है अनेक जन्मों का, तो इस आखिरी प्रैक्टिकल जीवन में भी उनमें ज्ञान के संस्कार ज्यादा ही होंगे। तो ज्यादा संस्कार होने के कारण कोई जरूरी नहीं है कि उनमें भक्ति मार्ग के संस्कार रह ही जाए, नवी शरीर छोड़े। तो ऐसे ही कुछ ज्यादा उम्र की आत्माएं ऐसी भी तो हो सकती है जो पूर्व जन्म में राम वाली आत्मा के साथ इनके मुकाबले कम रही हो। राम वाली आत्मा के साथ कम जन्म बिताए हो, कम संग का रंग लिया हो, कृष्ण वाली आत्मा के साथ संग का रंग जास्ती लिया हो, तो भक्ति कुमार संस्कार उनमें ज्यादा होंगे या कम होंगे? है, भक्ति कुमार संस्कार ज्यादा होंगे। ज्यादा संस्कार होने के कारण फिर उनको शरीर छोड़ना पड़ सकता है। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। एडवांस में ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्यादा उम्र वाले भी शरीर छोड़ सकते हैं और शरीर न भी छोड़ सकते हैं। पहले बाप ने छोड़ा था, इसलिए उसके बाद तो माना उसके पहले तो कोई छोड़ा ही नहीं हो रहा। राम वाली आत्मा से पहले कोई ने शरीर नहीं छोड़ा होगा, यज्ञ को नहीं छोड़ा होगा। छह सात वर्ष जो हुए सन 36 से लेकर के और सन 42 तक, तो उसमें शरीर छोड़ने वाले कोई नहीं होंगे यज्ञ के आदि के। हाँ, सन 36 से लेकर 42 तक पहले बाप ने एक ही छोड़ा, इसके साथ साथ और राम, पहले राम ने एक ही छोड़ा था, इसके साथ साथ और सब छोड़ा था। ये माना वो लिस्ट में नहीं आएगी ना, उम्र तो ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए नहीं बन सकता।
लेकिन शरीर तो छोड़ा होगा बहुत ने, तो नहीं कह सकते शरीर नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न है, जैसे असले दस देवों के लिए कहा गया है कि उनका मुख्य पुरुषार्थ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वैसे ही जो सौ की माला है उनका फिर मुख्य पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अरे आखिरी फाइनल पेपर क्या है? नष्ट हुआ स्मृति लब्धा। जैसे कुर्सी की दौड़ होती है, तो पहली बार कुर्सी की दौड़ हुई, पहली बार में जो बैठ गए वो आठ निकले, फिर दूसरी बार दौड़ हुई, ज्यादा कुर्सियां रख दी जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो सौ के नीचे आत्माएं निकलेंगी उनकी भी क्वालिटी यही होगी, नस्यो मोहा। हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है, काहे से नस्यो मोहा? देह से नस्यो मोहा, देह के संबंधों से नस्यो मोहा, देह के पदार्थों से नस्यो मोहा। हमारे पुरुषार्थ में देह के ये जो पदार्थ हैं ये बिगड़ ना बनने पावे, रुकावट ना डालने पावे, देह के जो संबंधी हैं वो संबंधी लौकिक दुनिया के भी हो सकते हैं, बेसिक दुनिया के भी हो सकते हैं, और वो क्या इसे एडवांस पार्टी में भी वो देह के संबंधी हो सकते हैं जिनसे हम देह का संबंध जोड़ लेते हैं। अभी संबंध जोड़ने का टाइम चल रहा है या तोड़ने का टाइम चल रहा है? है तोड़ने का टाइम चल रहा है, और तोड़ने के टाइम कोई जोड़ना शुरू कर दे तो ज्यादा पक्का संबंध जुड़ जाएगा या कच्चा रह जाएगा? और ही ज्यादा पक्का जुड़ जाएगा। इसलिए बोला कि लौकिक दुनिया की होती है लोहे की जंजीरें संबंध, और ब्राह्मणों की दुनिया में सोने की जंजीरें होती हैं। अरे यहाँ एडवांस में सोने के साथ हीरे भी जुड़े हुए हैं, ये और ज्यादा कास्टली है। हीरा जल्दी टूटता है या सोना जल्दी टूटता है, या लोहा ज्यादा जल्दी टूटने वाला और मोल होने वाला होता है? लोहा जो है वो कम कीमत वाला होता है, सोना और जास्ती कीमत वाला होता है, और हीरा, हीरा तो बहुत बेशकीमती होता है, उससे मोह टूटना तो कोई आसान बात नहीं है। अरे भगवान की छत्र छाया के नीचे रहने वाले नारद ने एक बार संकल्प कर लिया शादी का, तो वो संकल्प उनका पक्का हो गया, पीछा छुड़ाए पीछा नहीं छूटा। ये है कहाँ की बातें हैं? यहाँ संगम युग की बातें हैं। भगवान की नाक के नीचे रहकर के तुम संबंध जोड़ रहे हो तो जल्दी छूटेंगे या ज्यादा तकलीफ से छूटेंगे? टूटेंगे तो, लेकिन तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। रोजमर्रे के जीवन में और जन्मों में इतना दुख नहीं झेलना पड़ता है जितना संगम युग में धर्मराज की सजाओं में दुख झेलना पड़ता है और पद नीचा होता है। हाँ और बोलो बाबा। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता माना जाता है, फरिश्ता माना फरिश्ते दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं? बिल्कुल। फिर मंडल में जा रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा के बाद लिए ये बात वास्तव में लागू होती है फरिश्ता वाली बात?
रिश्ता शरीर वालों को होता है या जिनका शरीर ही नहीं है उनका रिश्ता होता है? हैं? जो शरीर में रहने वाले उनके लिए रिश्ता है। वास्तव में ब्रह्मा बाबा को तो अपना शरीर ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मा की सोल जिस शरीर में प्रवेश करके अभी पुरुषार्थ कर रही है वो देखना है क्या उसका रिश्ता है? है? उसका रिश्ता नहीं है। दोनों तरह के होते हैं। जो आत्माएं होती हैं अचानक शरीर छोड़ती हैं वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो ईविल सोल और दूसरा अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हो सकती हैं। और लंबे लंबे प्रश्न थे। चलो ओम शांति।